सोनीपत में कार्यक्रम ऐसे ही कथा चल रही थी, और तीसरे दिन एक दीपक नाम का व्यक्ति, कोई 50 से 55 की आयु बीच में, और एक दिन वो तीसरे दिन आचार्य जी को लेकर के अपने घर जा रहे थे। तो बोले, आचार्य जी 3 दिन हुआ अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए। मैंने कहा, क्या इसका क्या मतलब? और कि आंखों में आंसू थे। तो मैंने कहा, फिर आंसू क्यों हैं? बोले, नहीं ये तो खुशी के ही आंसू हैं और कुछ पश्चाताप के आंसू हैं। तो 3 दिन हुआ मुझे अपने माता पिता को प्रणाम करते हुए। मैंने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। तो बोले, आचार्य जी आपने जब कथा प्रारंभ की थी, सत्संग प्रारंभ किया था, तो आपने ऋषि दयानंद का भाष्य प्रस्तुत किया था, यजुर्वेद का एक भाष्य, और आपने लिखा कि माता पिता को ऐसे प्रणाम करने चाहिए। तो प्रणाम करने का ढंग क्या है? अगर कोई पूछे नमस्ते कैसे करनी है, तो कैसे करते हैं नमस्ते? दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, यही करते हैं ना। अच्छा, माता पिता को नमस्ते करना हो तो भी ऐसे ही करना है? क्या करना है? पैर छूना है। पर वो उसका भी कोई ढंग अभी हमें नहीं पता है। तो ऋषि दयानंद ने लिखा हो, मैंने बोला था। तो कहते हैं, आचार्य जी जब आपने प्रस्तुत किया कि जब जब पितर लोग, ऋषि दयानंद के प्रमाण आप भी पढ़िएगा, यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 62, मंत्र है आच्या जानु। ऋषि लिखते हैं, जब जब पितर लोग शिष्य या संतानों के पास आए, या संतान या शिष्य लोग पितरों के पास जाएं, तो पितर 3 की संज्ञा है ना, देवा ऋषय पितरश्च, इन सबके पास जब जाएं अथवा ये लोग आए, तब ऋषि के शब्द हैं, भूमि में, बोलिए भूमि में घुटने टिका कर। कौन बाला? हाँ बेटे, क्या नाम है आपका? आदित्य, एक बार खड़े हो जाओ। भूमि में घुटने टिकाओ, कैसे टिकाओगे? हाँ, दोनों घुटने टिका दो। अब ऐसे आपको प्रणाम करना, नमस्ते करना है, तो अब माथा भी जमीन पे आएगा, माथा जमीन पे लाओ, झुको पूरा, हाथ को ऐसे जमीन पे ले आ दो, दाया हाथ पूरा, और सिर माथा लगा दो जमीन पे पूरे। जब आप ऐसे फ्लेक्सिबल हो जाते हो, तब जाकर के माता पिता का प्रणाम होता है। भूमि में घुटे, ये तथाकथित मूर्तियों को तो हम लोग टेकते रहते हैं ना, लेकिन कहा ऋषि, भगवान की वाणी है और ऋषि ध्यान का भाष्य है, जब जब माता पिता पितर लोग, जिसमें देवा ऋषय पितरश्च सब आ जाते हैं। और ये प्रमाण तो कहते हैं दीपक जी कि मैं 55 वर्ष की आयु मेरी, और मैं पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी गया, मैं लगभग सबको ही सुनाता हूं सोनीपत की ये घटना। वो कहते हैं कि मेरे पिताजी की आयु कोई 80 वर्ष, और मैं सोचूं कि अगर वो मुझे देखेंगे तो कहेंगे इसको हुआ क्या है। एक शर्म भी कि माता पिता के सामने घुटने टिकाऊंगा, माथा रखूंगा, ऐसे नमस्कार तो आज तक कभी किया नहीं, घुटने को ठोकर मारी है हाथ से कभी कभी, और भी नहीं लगी है, बस लगाया पांव नमस्ते कर लिया। बोले, लेकिन ऋषि ने जब लिख दिया और भगवान ने कह दिया, भगवान की वाणी है तो करनी है। वो 55 वर्ष का व्यक्ति अपने सारे ईगो को हटा करके और कहता है कि आचार्य जी जब मैं माता पिता के बैठे, उनको बिठाया आसन पर जो आपने बताया, तो उनको आसन पर बिठा लिया, फिर मैंने उनके आगे घुटने जमीन पर टिका दिए, फिर हाथ वैसे किया, फिर माथा जमीन पर रखा, और जो फिर वो लिखता है कि मेरे आँखों में आंसू थे जब मैंने माता पिता की आँखों में जो देखा, उनकी आंखों में जो चमक देखी, तो मुझे लगा कि मैंने तो इतने आशीर्वाद मैंने खो चुका हूं। और वो दिन और वो व्यक्ति अद्भुत रूप से, जब आप पितृ यज्ञ करते हो, पितृ यज्ञ की बात है, और मैं आज आप सबके सामने कहता हूं, धन्यभागी हैं आप अगर आपके पास माता पिता हैं, गुरु आचार्य हो, तो अद्भुत है आपका जीवन। और कम से कम अपने पितरों को, अपने माता पिता दादा दादी आदि के प्रति एक तो कार्य करना शुरू ही कर दीजिए। कम से कम महीने में एक दिन उनको अच्छे से आसन पे बिठाइए, सोफे पर, चाहे जिस पे सुंदर सा आसन, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, उनके चारों ओर प्रदक्षिणा कीजिए, घूमिए उनको, फिर उनके पानी परात लेकर के धोइए, जैसे कृष्ण सुदामा की हम बात सुनते हैं और मोदी जी ने किसी का छू करके धो करके दिखला भी दिया है, वैसे ही धो दीजिए हाथ पैर, उनके पैर और हाथ पैरों को आप उनको पाद प्रक्षालन, और उसके बाद
चाहे उनके पास लाखों करोड़ों क्यों न हो, एक लिफाफा मत सोचिए। केवल ब्राह्मणों पंडितों आचार्यों को ही लिफाफा दान दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा पांचों यज्ञों में देनी होती है। और हमें हमने तो कभी पूछा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कि भगवान को भी दक्षिणा दिए बिना कब ब्रह्म यज्ञ पूरा होगा, उसकी दक्षिणा क्या है। और हर यज्ञ दक्षिणा, क्योंकि दक्षिणाहीन जो यज्ञ होता है वो मृतवत माना जाता है, मरा हुआ वो यज्ञ होता है। मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणा। और दक्षिणा नाम सत्कार का है, दक्षिणा नाम वेतन नहीं है। लोग सोचते हैं जैसे हम किसी मजदूर को लगा लेते हैं, जैसे हम नौकरी करते हैं जो हमें महीने भर में तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे किसी आचार्य को विद्वान को हमने बुला लिया तो उनकी मजदूरी घंटा दो घंटा तीन दिन चार दिन जो किए तो वो जो हम देते हैं वो उनकी मजदूरी है, तो ये नासमझी है हमारी। कभी कोई विद्वान आप जब दक्षिणा देते हो तो वेतन वेतन कुछ नहीं है, वो आपका दक्षिणा आपका सत्कार है। अगर सत्कार माता पिता को कहते चाहे लाखों करोड़ों, एक लिफाफा तैयार करो अपने माता पिता के चरणों में उनके हाथों में रखो, और महीने भर में कम से कम जो भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा याचना कीजिए उस दिन कि मैंने ऐसे वाणी से कुछ बोला हो, कोई मन में कोई ऐसा दुर्भाव बना हो, कभी कोई बात हुई हो। वो माता पिता भी उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे। कोई वस्तु ऐसी दो उनको खाने की पीने की पहनने की जिसको वो प्रयोग करें, ऐसा ना हो कोई कीमती वस्तु दे दिया और फिर वो कहें कि बेटा मैं क्या करूंगा, लो तुम ही संभालो। एक कोई पूछ रहा था, दिल्ली की बात है शायद, कि आचार्य जी हम लोग दान कई बार करते हैं वो उठा करके हमारे ही सामने वो किसी और को दे देते हैं, हमें तो अच्छा नहीं लगता। मैं कोई चीज ले आया और आचार्य जी के लिए आचार्य जी उठाएं और किसी को दे दे तो आप कहोगे इससे अच्छा हम देते ही नहीं, हम तो आचार्य जी के लिए लाए थे। मैंने कहा ये बात तो वैसे ही है कि जैसे बहू ने अपनी सास को कोई चीज दे दी और सास ने तत्क्षण अपनी बेटी को दे दिया, फिर तो आग लगनी ही है। हाँ जी, आपको देनी है सास को, दे दो। अब सास की महिमा है ना कि उतनी कीमती चीज को बेटी को दे रही है, तो सोचो उसकी आपकी कीमत तो बढ़ाई है ना, आपकी कीमत की बहुत बढ़ा दिया है। हमारी ना समझी का कुछ पता नहीं है, वो बेटी को देने योग्य समझने लग गई है। इसका मतलब कि आपके बहू का दिया हुआ वो चीज बहुत बड़ी बहुत उत्तम है, बहुत बढ़िया है। और इधर जो है बहू जल भून करके राख, ननद को ही देना था। ये ना समझी मत पालिए, आप दे दो और माता पिता जहां भी दें, आप गुरु आचार्य को दो जो चीज भी दे रहे हो वो जहां भी दें जिधर भी बांटें जिसको भी दे दें, आपको प्रसन्न होना है कि आपकी चीज को कहीं आगे बढ़ा दिया है। हम ना समझ लोग कहते नहीं आप ही खाइए जी, हम तो आपको ही लाए हैं, आप ही पहनिए, आपको ही देना, आपको ही पहनना है, आप ही पहन करके सिलवा करके दिखलाइएगा, ये ना समझिया छोड़ दीजिए। और जिस दिन आप इस विधा में, तो उस दिन कोई वस्त्र कोई ऐसी चीज दो जिसका वो उपयोग करे, तब आपका ये पितृ यज्ञ होता है। हाँ जी, करेंगे सभी जी? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। जिनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, मैंने तो दिल्ली में एक अभियान की तरह शुरू किया हुआ है बिल्कुल। मैं और तभी ये पंक्तियां बोला था जो कल फिर से बोल लीजिए, लोगों से कह दो मेरी तकदीर से जलना छोड़ दें, मैं घर से निकलता हूं, मैं घर से निकलती हूं, कुछ और नहीं माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलता हूँ, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर निकलती हूँ, दुआ लेकर निकलता हूँ, दुआ लेकर निकलती हूँ। यही तो है जीवन, जिसके लिए गोस्वामी जी लिख देते हैं कोई 600 वर्ष पूर्व, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। फिर ये पंक्तियां बार बार दोहराइए, जो ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना नहीं करता वह कृतघ्न और महामूर्ख भी होता है। ये पांच स्थान आपकी परमात्मा की उपासना की ही हैं, और खास करके ऋषि दयानंद इस देव यज्ञ के लिए, और जिसको हमने अपनी पुस्तिका में भी दिया हुआ है पहली पेज पर ही शायद है, बोलिए, मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में, मनुष्यों को योग्य है का मतलब अगर सचमुच में मनुष्य हैं तो करना ही होगा, ही शब्द है।
मनुष्यों को योग्य है कि सब मंगल कार्यों में अपने और पराये कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर उपासना करें। इसीलिए सुगंधित आदि द्रव्यों की आहुति, सुगंधित आदि से मतलब चार तरह के हमारे हव्य सामग्री होती है, सुगंधित, पौष्टिक, रोगनाशक, मिष्ट कारक। और विद्वान जन तो यहां तक कहते हैं कि यज्ञ की वेदी को, कुंड को घृत से ऐसे ही सींच देना चाहिए जैसे किसान अपने खेत को पानी से सींच देता है, इतना मतलब उसकी मात्रा। वो तो ऋषि ने 6 मासा की बात कह दिया, और हम लोग तो कई लोगों को हम देखते हैं वो सींक के, एक व्यक्ति को देखा वो इतना सा हवन कुंड माचिस की तरह समिधा और तीली की तरह, और ले करके वो रोज कहता हूँ बड़ा संतुष्ट है कि मैं रोज हवन करता हूँ। ये ना समझिया छोड़ देनी चाहिए। ऋषि तो लिखता है अगर सचमुच में आज हमारी ऋषि के प्रति श्रद्धा होती, वेदवाणी के प्रति श्रद्धा होती, ऋषि के कभी संस्कार विधि पढ़िए, लक्ष्य आहुति देनी हो तो 4 हाथ लंबे चौड़े यज्ञ कुंड होने चाहिए, 4 हाथ। और लिखते हैं 2 लक्ष्य आहुति देनी हो यानी 2 लाख आहुतियां देनी हो तो 6 हाथ लंबे चौड़े हवन कुंड होंगे, और तब आपका यज्ञ हब सेंटर की तरफ बनकर के फिर जो उससे जो बातें होंगी वो आपके जीवन को अद्भुत करने वाली। अभी हमारी तो स्थिति होती है वो 16 अंगुल वाली, वो भी नहीं ढंग, और वो भी सींक बना बना करके आहुतियां देने की आदत बन जाए। फिर कुछ लोग कहते हैं जो दीपक जला करके उसी पे सारे मंत्र पढ़ देते हैं, मत पढ़िए, कम से कम एक भीतर चोट तो लगी रहे कि यज्ञ नहीं करते हम, क्यों यज्ञ करें, क्यों नहीं हम उसको साधन को जुटाएं, क्यों नहीं इतना खा सकते हो पी सकते हो। ऋषि ध्यान का अगर 7-8 प्रकाश पढ़ लीजिए, बोलिए एक बार, एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंधित आदि पदार्थ खाता है, यहां पर खाने का ढंग भी बता दिया मनुष्य को क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए जी, घृत और सुगंधित, इसका मतलब पिज्जा, बर्गर, ये चाउमीन और ये सब आपका कोई भोजन है ही नहीं। और आजकल बच्चों को यही भोजन है, यही खाने की बात है। ऋषि कहता है सुगंधित और, हाँ जी, घृत है ना, यानी, और आज बच्चे घी नहीं खाने को राजी हैं, दूध पीने को राजी नहीं है, आज उनको सब चीजें चाहिए, दूध नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, उल्टी सीधी चीजें सब खाने को राजी हैं। हम लोग जब जन्मदिवस के जो आहुतियां देते हो तो एक मंत्र का भाव है, बोल लीजिए एक बार आप सभी, काबिले तारीफ प्यारे ईश्वर तेरे गुण गाता रहूं मैं उम्र भर, तेरे गुण गाती रहूं मैं उम्र भर, उम्र भी लंबी करो परमात्मा, मैं सदा बनकर रहूं धर्मात्मा, अन्न सादा हो जो मैं सेवन करूं। क्या लिखा है, अन्न सादा हो जो मैं, सादा से मतलब सात्विक, उसमें बिल्कुल पिज्जा बर्गर चाउमीन बिल्कुल कहीं मतलब नहीं है। और सचमुच में अगर आप चाहते हो जैसा खाए अन्न वैसा बने, फिर वो चाउमीन की तरह ही मन बनेगा, पिज्जा बर्गर की तरह फिर सड़ा हुआ मन, सड़ा हुआ वो आप, अच्छे ब्रेड भी जो खाते हो अगर सोच लीजिए, खाते तो हैं बहुत लोग, रोटी हम बासी हो जाती है, हाथ की बनाई रोटी है वो सुबह बना दी, और आप राजीव दीक्षित को कभी सुना हो 45 मिनट में कहते हैं हर चीज बिल्कुल ना खाने योग्य लगभग लगभग हो जाती होती है ना। और आज तो डीप फ्रिज रोटियां भी आ गई हैं, बस रख लो 15 दिन 20 दिन बाद जब मर्जी तब उसको फुला लो, पका के खा लो, जबकि भोजन हमारा 45 मिनट के अंदर अगर ताजा ताजा भोजन बना है 45 मिनट में उसे भोजन कर लेना चाहिए। हम लोग तो कहा करते हैं भोजन, अगर भगवान ने अगर आपको संपत्ति दी है तो प्लास्टिक के और दुनिया के बर्तनों में खाना छोड़िए, सोना चांदी पहनो कि न पहनो लेकिन सोना चांदी में खाओ, सोने चांदी में हवन करो। हाँ जी, सोचिए एक बार आचार्य जी, अगर भोजन हम आपका थाली सोने की हो और उसमें रोटी और सब्जी रखिए, सब्जी में नमक ना भी पड़ा हो चाहे ज्यादा पड़ गया, कौन गुस्सा करेगा, सोने की थाल में भोजन है, नहीं सोचने की चीज है।
सोने की थाल है, चांदी के पात्र में आपका जल रखा हुआ है, कौन उसमें नुक्स निकालेगा, कौन कमियां निकालेगा? एक बार कभी भगवान दे तो आप अपने पात्रों को, ऋषिदान तो लिखते हैं सोने चांदी के पात्र होने चाहिए। और आज हम प्लास्टिक पे आने वाले, आने वाले दिनों में क्या स्थितियां होंगी हम कुछ कह नहीं सकते। ऋषि लिखता है एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंधित आदि पदार्थ खाता है उतने द्रव्य के होम से, और ये लगभग 150 वर्ष पुराना मान लीजिए शब्द, उतने द्रव्य के, और ये प्रसंग क्या चल रहा है 32 आहुतियों का क्रम, वो प्रसंग यही है सत्यार्थ प्रकाश में कि 16-16 32 आहुतियां देनी हर व्यक्ति को देना है, क्योंकि क्या होम करने के बिना पाप होता है, ऋषि के शब्द हैं। और पाप शब्द किसी साइंटिस्ट के समझ में आने वाला है नहीं, ऋषि कहते हैं क्या होम करने के बिना पाप होता है, आपको क्या लगता है ऋषि ने क्या कहा है? हाँ जी, हाँ या ना, या हाँ ना दोनों, हाँ बोला है। हम लोग कहते हैं जी और हवन हर कोई कर रहा है। पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब ही दुख होता है, पाप का मतलब ही नरक होता है, और कुछ नहीं होता है। पाप कह करके मत बचे आप, पाप जब आपको लग गया इसका मतलब आप, अब चाहे भले हम जन्नत जैसे वातावरण में ही क्यों न रहते हो पर रहेंगे नरक में। ये जो भगवान के चौकीदार है ना जंगली DOG, कहीं भी पहुंच जाओ, कितना बढ़िया से सोसाइटी बना लो, कुछ कर लो, इनकी इनकी एंट्री हो जाती है, इनकी एंट्री को कोई नहीं रोक सकता। और आपको जान के हैरान होंगे कि GOD गार्ड, और उसी का विपरीत कर दो तो क्या होगा? DOG है, GOD का उल्टा ही तो है। अब GOD को तो देखा नहीं, DOG को तो रोज देखते हैं, सुरक्षा उन्हीं से चाहिए। अब COW का कोई मतलब नहीं है, काऊ से कोई, अब अच्छा हुआ, मुझे तो अच्छा लगता है कि जब कनाडा आदि से शब्द जब वो लौट के आया कि अब लोगों की भीड़ को क्या बोलते हैं, गाइज, अब गाय गाय शब्द से आ रहा है, लोगों को मनुष्य को बुलाना हो तो कहते हैं गाइज, एक नया शब्द आ गया, अब काऊ आदि तो गाय आदि तो, लेकिन वो गाय के शब्द में आ गया तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम लौटा तो। ऋषि लिखता है एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ खाता है उतने द्रव्य के होम से, क्या लिखा है बोलिए, लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। आप चार व्यक्ति को भोजन कराइए, 10 व्यक्ति को भोजन कराइए, ऋषि लिखते हैं, ऋषि के शब्द हैं, सत्यार्थ प्रकाश में शब्द हैं, कहीं वहां पाठ वेद आज तक नहीं मिलता है, लाखों मनुष्यों का। और यजुर्वेद भाष्य पढ़िए तो लिखा है असंख्य प्राणियों का उपकार होता है, असंख्य प्राणियों का। और वहां तो मनुष्यों के, उस जमाने में आप सोचिए, स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं 25 करोड़ की जनसंख्या थी, कितने, जब पाकिस्तान भी भारत होता था, बांग्लादेश भी भारत था, तब पूरे भारत की जनसंख्या थी लगभग 25 करोड़। चलिए उतना ही बना लो, मैंने जो पढ़ा सुना वो 25 करोड़ के आसपास, तो 33 करोड़ भी कह लीजिए, 35 करोड़ भी, आज तो अरब पार हो गए है ना। और तब ऋषि लिखता है लाखों मनुष्यों का, आप सोचिए, कल्पना नहीं कोई कर सकता, लाखों मनुष्यों, तब कहना बहुत आसान नहीं था, लेकिन ऋषि लिखता है लाखों मनुष्यों का उपकार। अगर आप घर बैठे बिना बैंड बाजा बजाए, बिना तुरही बजाए, बिना कोई लाउड स्पीकर भी लगाए, अगर आप हवन करते हो, आप लाखों मनुष्यों का उपकार करते हो। हम कल्पना तो करें एक बार, इसका मतलब जानते क्या हुआ? फिर कहते हैं घृत आदि उत्तम पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिए, भी लिखा है, पर उससे होम करना अति आवश्यक है, अति उचित है। ये शब्द है अति शब्द, फिर ऋषि ध्यान को बड़ा प्रिय है। इसका क्या व्याख्या करेंगे आप लोग? इसका मैं एक शब्द पूछ रहा हूं और इसी के साथ वाणी को, क्योंकि मैं तो आगे बढ़ रहा हूं। हाँ जी, आपके पास 500 रुपए हैं, 4 सदस्य हैं, और 500 रुपए में रोटी दाल सब्जी, रोटी दाल खा लोगे अच्छे से, 4 लोगों का पेट भर जाएगा, और समय है हवन का भी, तो 500 रुपए में या तो हवन कर लोगे बढ़िया से, उसमें विद्वान को 100 रुपया भी दक्षिणा भी दे सकते हो, 400 में आपका सब हो जाएगा, क्या होगा?
हवन करेंगे कि भोजन करेंगे? हाँ जी, मैंने दिल्ली में पूछा था, उसी हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि इसका क्या क्या करेंगे। हाँ जी कैलाश चंद्र जी, क्या करेंगे? हाँ जी, पहले भोजन करेंगे। हमारे नरपत सिंह जी कह रहे हैं पहले भोजन करेंगे, क्योंकि भूखे भजन न। हाँ, ये अर्थ पहले ही पकड़ा हुआ है मस्तिष्क में। अच्छा, ये ऋषि क्या कहना चाहता है वो अर्थ निकालना है ना। हाँ जी, 500 रुपए हैं, 500 में या तो हवन कर लेंगे। एक व्यक्ति दिल्ली में था, उसने बोला जी आधा आधा कर देंगे। आधा आधा का मतलब 250 रुपये में हवन कर देंगे और 250 रुपये में भोजन कर लेंगे। मैंने कहा न हवन तृप्त होगा न भोजन भूख तृप्त होगा, कोई क्या करना चाहिए? भोजन। हवन वाले पक्ष में कितने लोग हैं? दो ही चार हैं। भोजन वाले पक्ष में सब हैं? हाँ सब हैं। अच्छा, कोई कहता है कि भोजन किए बिना तो फिर भजन होता ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहूं बच्चों, एक बार ध्यान रख लो, अभी अभी तो आपने बहुत सुंदर स्वामी दर्शनानंद जी का दृष्टांत सुना है, मतलब इसी युग की बात है ना। ये तो पात्र भी बिच गया है, पाचक रसोईया अभी कुछ बनाया ही नहीं है उसने, पानी के अलावा पात्र के अलावा कुछ रखा ही नहीं है, और भरोसा कितना कि अब नहीं है तो होगा, और बच्चों के और संयोग ऐसा बनता है कि आ जाता है। मैं आपसे कहूं, अगर आपके पास सिद्धांत की भाषा में मत सोचिए, इसको कर्म की भाषा में सोचिए, क्या ऐसा हम करते हैं? क्या नहीं करते? और ये सत्यार्थ प्रकाश का तीसरा समुल्लास है। ऋषि कहता है उससे होम करना अति आवश्यक है, यानी अगर एक बार भरोसा करके तो देखो कि क्या हवन कर लिए, अब क्या भूखे रहने भगवान देता है? भूखा आपको छोड़ देता है क्या? और अगर छूटता भी है तो ध्यान देना, वो शायद कोई और बड़ा आपको पुण्य मिलने वाला है कि आपको वो भी। और बहुत सारे चिंतकों का तो यही कहना है, हवन करके कोई भूखा रहा नहीं आज तक। एक बार अगर भगवान को आपने भोग लगाई, कल हम एक मजाक में हम लोग भाव कथा में पढ़ रहे थे, हनुमान जी ने सारी खीर उसको खिला दी, और वो हनुमान जी खिलाए कि न खिलाए, लेकिन जब भगवान को हमने देवता को दे दिया, हमने बांट दिया, तो क्या आप सोचते हो कि आपको आप भूखे रह जाओगे? नहीं रहेंगे। मत सोचिए कभी भी, आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले भगवान। और ऋषि दयानंद कहते खुली आंख भगवान की उपासना का कोई ढंग हो सकता है, ये देव यज्ञ है, अग्निहोत्र है। जब आप अपने माता पिता के पितरों के चरणों में बैठ जाते हो, वो भगवान की उपासना का पावन ढंग होता है। तब एक छोटी सी बात कहता हुआ वाणी को विराम, और मैंने एक सुना है कि ये भी भाव कथा की तरह है कि एक आचार्य ने अपने एक शिष्य को एक द्राक्षा दे करके, द्राक्षा मतलब किशमिश का दाना, बड़ा सा किशमिश पकड़ाया एक दाना, और कहा कोई 5 किलोमीटर दूर पास में ही एक और गुरुकुल है, वहां 500 विद्यार्थी रहते हैं उस आचार्य के गुरुकुल में, और उस विद्यार्थी को कहा कि बेटे ले जा करके वहां के आचार्य को देना और कहना कि 500 जितने विद्यार्थी हैं उस सब में इसको बांट दें। आज का शिष्य होता तो कहता गुरुजी हमारे वहां कोई द्राक्षा की कमी है, और मैं ही मिला आपको, एक द्राक्षा कितनी बेइज्जती आप करवाना चाहते। लेकिन वो परंपरा है कि जब गुरु कोई आदेश दे तो कोई ननु नच नहीं होना चाहिए, और सचमुच में उस शिष्य ने कोई प्रश्न नहीं किया, अब एक द्राक्षा लिया है और गुरुकुल में पहुंचा। सांझ का समय है, आचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए और द्राक्षा दिया कि मेरे गुरु ने, मेरे आचार्य ने दिया है आपको, और गुरु जी का आदेश है कि इसको 500 जो विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं, छात्र हैं, उन सबके अंदर ये बंट जाए। गुरु ने मुस्कुरा करके कहा आचार्य ने ऐसा ही होगा। अब वो शिष्य तो सब काम हर समय उस आचार्य पर ही नजर रखनी शुरू कर दी, उसका अब सारा काम छूट गया, बस ये एक द्राक्षा पहुंचता कैसे, 500 में बंटेगा कैसे, बस ये देखना है उसको तो। और कहते हैं कि फिर तो दूध बंटना था रात्रि सोने से पहले सबके, और आचार्य ने एक खरल मंगवाई और उस द्राक्षा को घुटवा दिया, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में बना दिया, और कहते हैं कि उसको जो दूध का जो कड़ाह था उसमें उसको डलवा दिया, और सारे विद्यार्थियों को बुला के कहा कि ये विद्यार्थी आया हुआ है, फला आचार्य ने भेजा है, और उन्होंने कहा था ये द्राक्षा है जो इस खरल में है,
और मैं इसको दूध में मिला रहा हूँ, पूरे 500 आप सब हो, आप सबके लिए मैंने मिलाया है, आचार्य का आदेश है कि आप सब तक पहुंचे, तो मैंने ये कर दिया है। और वो सचमुच में शिष्य गदगद हो गया कि अद्भुत, 500 विद्यार्थियों को बंट चुका था, कौन कहेगा कि मुझे मिला मुझे नहीं मिला, मिल गया था। रात वो शिष्य विश्राम करता है, सुबह जब वो चलने के लिए गुरु को आचार्य को वहां के प्रणाम करने के लिए जाता है, माथा टेकता है, उस आचार्य ने एक तिल का दाना दे दिया। द्राक्षा तो फिर भी था, वो तिल का एक दाना दे करके कहा कि ले जाकर के अपने आचार्य को देना और कहना पूरे विश्व में बांट दे। उसने तो सिर पकड़ लिया, लेकिन एक्टिंग कुछ नहीं, कोई बात नहीं कही कि वह चलो देखते हैं। और कहते हैं कि वो वहां पे पहुंचा, अभी सुबह का पास में ही तो था वो गुरुकुल भी, कहते हैं वह सुबह सुबह पहुंच गया आचार्य को जाकर गया, तो भागता हुआ दौड़ता हुआ पहुंचा है। एक द्राक्षा समझ में आई कि 500 में बटी, अभी एक तिल विश्व भर में बांटना है, कैसे बटेगा, क्या होगा, क्या करेंगे आचार्य। और कहते हैं कि वहां आचार्य के जब जा करके दिया, उसने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे द्राक्षा बंट गया और गुरुजी अद्भुत, लेकिन वहां के आचार्य ने आपको एक तिल दिया है और कहा कि पूरे विश्व को बांट दें। और उस आचार्य ने भी मुस्कुरा कर कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। शिष्य तत्क्षण वो भी अब अपने आचार्य के इर्द गिर्द, और तभी देखता है आचार्य ने सारे विद्यार्थियों को, अपने गुरुकुल के आचार्य विद्यार्थियों को इकट्ठा किया और कहा देखो वहां के आचार्य ने, हमने एक द्राक्षा भेजा था और वहां के आचार्य ने द्राक्षा को ऐसे सारे विद्यार्थियों में बंटवा दिया है, वहां के आचार्य ने एक तिल का दाना दिया है और कहा इसे विश्व को बांटना है। सारे छात्र विद्यार्थी ब्रह्मचारी सब हैरान परेशान से देख रहे थे कैसे विश्व में बंटेगा। बोले कि अब हवन का समय था सुबह का, और कहते हैं आचार्य ने कहा ये तिल का दाना है आचार्य का दिया हुआ, और इसको हम ये हवन सामग्री में मिला करके, और कहते हैं उसको जब जैसे ही उसकी आहुतियां दी गई, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, कहते हैं कि पूरे विश्व को बंट गया। और कहते हैं कि इतना भर सारे विद्यार्थियों को देखना था सुनना था, सारे करतल ध्वनि कर चुके थे, सचमुच में मेरे आचार्य तो धन्य जिसने पूरे विश्व को बांट दिया, कौन कहेगा किसको मिला किसको नहीं मिला। तब वो आचार्य कहता है देखो अगर पूरी धरती का कोई उपकार करना चाहते हो, पूरी धरती को कोई चीज बांटना चाहते हो, सब तक बांटना चाहते हो, आपके पास इससे बड़ा कोई ढंग नहीं हो सकता कि आप देव यज्ञ करें, आप अग्निहोत्र करें, आप होम करें, और आप सब तक अगर विश्व को कुछ देना चाहते हो, आप एक बार यज्ञ में बैठ जाएं, आप विश्व तक के दाता बन जाते हो। जो खूब सहेजा था, दो पंक्तियां बोली और वाणी को विराम, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। तो मैं बहुत सारी पंक्तियां छोड़ चुका हूं, और समय मिलेगा तो सांझ उसको ऋषि का वाक्य पूरा करेंगे कि आप जब ईश्वर की उपासना करते हैं, संधि वेलायाम शयन आलस्य आदिकम विहाय ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, तब ऋषि का वाक्य है ते अतुलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति। तो ये छोड़ दीजिए कि धन नहीं मिलेगा, धन भी भगवान देगा और इतना देगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे, फिर उसको बांटिए, और जितना बांटिए शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकीर, इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।